हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन को उन नंबर्स का मल्टीपल कहा जाता है। तो जैसे 1, 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब है कि 24 1, 2, 3, 4 का मल्टीपल है। सभी नंबर एक और खुद के मल्टीपल होते हैं। तो जैसे 1 × 24 कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 × 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। इसका मतलब कि 24 1 और 24 का मल्टीपल है। 0 सभी नंबर्स का मल्टीपल है। जैसे कि 0 × 24 = 0। इसका मतलब जैसे कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 सभी नंबर का मल्टीपल है। किसी नंबर का मल्टीपल निकालने के लिए नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी होल नंबर से मल्टीपल पता कर सकते हैं। होल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो पूरा हो, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो। जैसे कि वो कोई होल नंबर का मतलब हो गया कि वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो 10 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। वैसे ही 2 से करेंगे तो 20 आएगा, तो और 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे किसी भी नंबर से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका मल्टीपल निकल जाएगा। किसी भी नंबर के बहुत सारे किसी नंबर के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। मतलब किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, हमें कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकल जाएगा। जब हम एक से ज़्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है। और हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किए हैं वे नए नंबर का फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जैसे कि 1 × 2 1, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। यहाँ पर 1, 2 और 5 10 के फैक्टर हैं और 10 1, 2, 5 का मल्टीपल है। तो 1 × 10 = 10। इसका मतलब 10 के फैक्टर है 1, 2, 5 और 10। और मल्टीपल अपने फैक्टर्स से हमेशा बराबर या बड़ा होता है। जैसे कि हमने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। इसका मतलब कि 10 का मतलब मल्टीपल है और जो 10 का बराबर है और 10 1 to 5 से बड़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।